नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक फ्रेश एक नया आधार सेंटर किस प्रकार ओपन कर सकते हैं, आप किस प्रकार आधार एनरोलमेंट का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में आधार कार्ड का काम या तो आपको किसी सरकारी कार्यालय में मिलता है या फिर किसी बैंक में मिलता है या फिर CSC ID के थ्रू आप एक आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेंटर किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक आधार सेंटर ओपन करना तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर आधार का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, आधार का काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर किस प्रकार एक फ्रेश आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी और किस प्रकार इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का रैंडमली कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है BOB आधार। आप जैसे BOB आधार लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आधार सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंपली आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा की इस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा होगा आधार सेवा केंद्र, और इसके अलावा आप यहां पर नीचे देखोगे तो आधार सेवा केंद्र आधार सेंटर, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू अगर आप आधार सेंटर का कार्य लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस दी जाएगी, क्या क्या काम आप आधार कार्ड के लिए कर सकते हैं। तो आप यहां पर ऊपर में देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा हैज स्टार्ट आधार एनरोलमेंट एंड आधार अपडेट सेंटर, यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार का काम लेते हैं तो आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं और साथ ही साथ आधार कार्ड में अपडेट का कार्य भी कर सकते हैं। यहां पर जो सर्विस आपको मिलेगी वो सर्विस यहां पर कुछ पॉइंटों में भी दी हुई है। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है इसमें आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रेश आधार एनरोलमेंट, यानी कि आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप आधार कार्ड में अपडेट का कार्य भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, रिलेटिव डिटेल, एड्रेस, फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड में आप A to Z कंप्लीट अपडेट का कार्य कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव नेम, एड्रेस, फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी में आप अपडेट का कार्य भी कर सकते हैं। और यहां पर जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड एंड प्रिंट योर आधार, किसी का आधार कार्ड खो गया है उसको आप फाइंड करके उस आधार कार्ड को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फोर्थ नंबर की सर्विस है उसमें आप देख सकते हैं मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट एंड चिल्ड्रन द एज ऑफ 5 and 15 ईयर, यानी कि आप यहाँ पर बच्चों का आधार कार्ड भी बना सकते हैं और बच्चों का जो बायोमेट्रिक है उनको अपडेट भी आप यहां पर कर सकते हैं, जो कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का आप यहां पर ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं, जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेंटर ओपन कर रहे हैं इस आधार सेंटर को आप कहां पर चला सकते हैं और किस प्रकार इसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो या फिर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपके नियरेस्ट में, आपके आसपास में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उसी ब्रांच में आप ये आधार सेंटर चला सकते हैं, उसी ब्रांच में जाकर आप आधार का काम कर सकते हैं, वहीं पर जाकर आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं, वहीं पर आप आधार अपडेट का कार्य कर सकते हैं। उस ब्रांच के अलावा आप अन्य कहीं जगह पर आपका जो आधार सेंटर है आप नहीं चला सकते हैं। इसके एवज में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उसके द्वारा ही आपको सैलरी बेस पर काम दिया जाता है और साथ ही साथ UID की तरफ से भी आपको कुछ कमीशन बेस पर काम यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर जो ब्रांच का टाइमिंग होता है ओपनिंग टाइम से लेकर क्लोजिंग टाइम है उसी के दौरान आपको यहाँ पर इस ब्रांच में आकर आधार का कार्य करना होता है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की यूजर आईडी मिलेगी, आप अन्य जगह पर ओपन नहीं कर सकते हैं, मात्र आपको अपनी ब्रांच में ही ओपन करके आप ब्रांच में ही ये आधार का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी नियरेस्ट में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उसका पता लगाना है। उसका पता लगाने के बाद में आपको ट्राई करना है क्या आपकी जो नियरेस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है उसमें ऑलरेडी क्या आधार का काम मिल चुका है, आधार सेंटर ओपन हो चुका है। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं टू फाइंड नियरेस्ट BOB आधार सेंटर एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर एंड क्लिक हियर। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज है
उन सभी ब्रांचेज का नाम यहाँ पर आ चुका है और जिनके अंदर यहाँ पर आधार सेंटर का काम ओपन हो चुका है उनका नेम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का नेम इस लिस्ट में आपको दिखाई नहीं देता है तो आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आधार का काम अभी चालू नहीं हुआ है तो आप उसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपनी नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में कंट्रोल एंड एफ को पुश करना है और आपकी जो भी ब्रांच है, आपका जो पिन कोड है, आपका जो एरिया है, आपके एरिया का नाम आपको यहां पर फिल करना है, आपकी जो भी सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहां पर फिल करना है। आप जैसे अपनी एरिया, अपनी सिटी का नाम यहां पर फिल करोगे तो आपकी जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है वो यहां पर हाईलाइट होकर आ जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच हाईलाइट होकर नहीं आती है तो आपकी नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में आधार का काम अभी चालू नहीं हुआ है तो आप आसानी से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये लिस्ट काफी लंबी है, आप यहां पर में आप अपनी नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच का नेम आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहां पर देखोगे रिक्वेस्ट एंड कॉल बैक का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको यहां पर फर्स्ट नेम फिल करना है और फर्स्ट नेम फिल करने के बाद में आपको यहां पर लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद में आपको कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने हैं, आपकी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो वर्किंग होने चाहिए ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपके पास में कॉल आ सके। इसके बाद में आपकी जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद में सेलेक्ट अदर सर्विसेज टाइप पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ऊपर में आपको सर्विस दिखाई दे रही है आधार सेवा केंद्र, तो सिंपली आपको आधार सेवा केंद्र पर क्लिक करना है एंड आपको यहां पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि आपने जो पिन कोड फिल किया था उसके आधार पर आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा है उस ब्रांच में आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। इससे 7 से 8 दिन के भीतर आपके पास में कॉल आता है और आगे की जो भी प्रक्रिया है आपके बैंक अधिकारी आपको कंप्लीटली समझा देते हैं। या फिर अगर आपके पास में कॉल नहीं आता है तो आप अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में विजिट करके भी आगे की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी आपको बता देते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपका आगे का कंप्लीट प्रोसेस है, सैलरी बेस पर है या कमीशन बेस पर है, यानी कि कंप्लीट A to Z प्रोसेस, आगे का जो प्रोसेस है आपकी ब्रांच के द्वारा ही आपको बताया जाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस प्रोसेस को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% रेस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आपकी नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच अगर आधार सेंटर देने के लिए एलिजिबल होती है तो आपको यहाँ पर 100% आधार का काम दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारी से कमेंट फिल कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी ने हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।